प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा प्रदेश के शहरी गरीब युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है। इस घोषणा के अनुसार शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को अस्थायी रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को एक साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में 10 फरवरी से युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और फरवरी में ही रोजगार तथा कौशल देने का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और कल्याणियों को मिलने वाली पेंशन भी 2 गुना हो जाएगी। अब इन्हें 300 रुपए की बजाय 600 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। उनका यह कहना है कि धीरे धीरे इस पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए महीना कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वारा वचन पत्र में यह वादा किया गया था कि पेंशन को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाएगा, यानी प्रति माह 600 रुपए दिया जाएगा। कुल मिलाकर मनरेगा की तर्ज पर शहरी गरीब युवाओं को 100 दिन का रोजगार मिलने से गरीब युवाओं को एक बहुत बड़ी सरकार की तरफ से मदद मिलना शुरू हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।